पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के राजनीतिक जीवन पर आधारित फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और इसके साथ ही विवादों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। एक तरफ कांग्रेस का यूथ विंग रिलीज से पहले ही फिल्म देखने की मांग कर रहा है, तो वहीं बीजेपी ने फिल्म के ट्रेलर को अपना हथियार बनाकर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू की लिखी किताब पर आधारित है, जिसमें मनमोहन सिंह की जिंदगी को करीब से दिखाया गया है। साथ ही फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग्स भी हैं जो कांग्रेस के खिलाफ जाते दिख रहे हैं। फिल्म में मनमोहन सिंह का किरदार अनुपम खेर निभा रहे हैं, जबकि संजय बारू का किरदार अक्षय खन्ना निभा रहे हैं। करीब 2 मिनट 43 सेकंड के ट्रेलर में संजय बारू की भूमिका निभा रहे अक्षय खन्ना बोलते हैं, मुझे तो डॉक्टर साहब भीष्म जैसे लगते हैं जिनमें कोई बुराई नहीं है, पर फैमिली ड्रामा के विक्टिम हो गए। महाभारत में 2 फैमिलीज थी, इंडिया में तो एक ही है। अक्षय खन्ना के ये डायलॉग्स कांग्रेस को नागवार गुजर रहे हैं, इसीलिए यूथ कांग्रेस ने फिल्म को लेकर मोर्चा खोल दिया है। यूथ कांग्रेस के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष सत्यजीत टांबे ने फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और इसे रिलीज से पहले ही दिखाने को कहा है। दरअसल इन डायलॉग्स में एक फैमिली की बात गांधी परिवार के लिए की गई है, साथ ही इसमें सोनिया गांधी की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं, जिसे हथियार बनाकर अब बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी ने द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का ट्रेलर ट्वीट कर लिखा, इस ट्रेलर की कहानी बताती है कि कैसे एक परिवार ने 10 सालों तक देश को बंधक बनाकर रखा। क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह सिर्फ तब तक पीएम की कुर्सी पर बैठे थे जब तक उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी तैयार न हो जाए? संजय बारू की जब किताब सामने आई थी उस वक्त भी बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा था, वहीं अब फिल्म का ट्रेलर आने के बाद पार्टी ने दोबारा कांग्रेस की खिंचाई शुरू कर दी है। ऐसे में विवाद अब कितना दूर तक जाता है ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।